Good morning class. This is our new Anna Physio class, in which today we will start about the structures related to male reproductive system. First of all, we will study about the testis. देखिए, ये मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, ओवल शेप की. हर एक टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल शेप होता है. 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है. वेट लगभग 10 से 15 ग्राम होता है हर एक टेस्टिस का, और ये स्क्रॉटम में लोकेटेड रहती है. टेस्टिस में 3 लेयर्स, ऐसा अपन ने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था. 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बजीनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. वेजिनालिस आउटर लेयर है, एल्बजीनिया मिडल लेयर है, और वेस्क्यूलोसा इनर लेयर है. सबसे पहले जो आउटर लेयर है वेजिनालिस, ये 2 लेयर्स की बनी होती है, विस्ट्रल और पैराइटल लेयर्स. ट्यूनिका वेजिनालिस 2 लेयर्स की बनी होती है, विस्ट्रल लेयर और पैराइटल लेयर. ये स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि हम अभी इस समय क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. एनाटॉमी में मैंने आपको बार बार बोला है कि भाई इसमें डायग्राम की इम्पोर्टेंस है. आप लैंग्वेज चाहे मत लिखो, कम से कम लिख लो, पर डायग्राम आपको पूरे अच्छे से बनाना होगा. तो ये देखिए, स्किन बताया गया है, डाटस ट्यूनिक लेयर है उसके अंदर, स्किन के अंदर. इंटरक्रोरल फेशिया उसके अंदर की लेयर, क्रेमास्टेरिया फेशिया, इनफंडिबुलिफॉर्म फेशिया, पैराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस, विस्ट्रल ट्यूनिका वेजिनालिस. ये 2 लेयर आ गई टेस्टिस की. आउटर मोस्ट लेयर 2 होती है, 2 लेयर से बनी होती है, पैराइटल और विस्ट्रल. फिर ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया उसके अंदर की लेयर है. ये टेस्टिस के लॉब्यूल दिखाए गए हैं. ये सेप्टम है हर एक के बीच में. ये मीडिया स्टेनम टेस्टिस की. ये एपिडिडाइमस का साइनस है. स्पर्मेटिक वेन दिखाई गई है, एपिडिडाइमस. डक्टस डिफरेंस, डक्टस की आर्टरी, इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी और इंटरनल मस्कुलर ट्यूनिक लेयर बताई गई है. अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखिए, लगभग 200 से 300 लॉब्यूल्स हर एक टेस्टिस में पाए जाते हैं, और हर एक में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो कि कन्वर्ज होकर के एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाती है, जिसको आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह देते हैं. ट्यूब्यूल्स के बीच में ग्रुप ऑफ इंटरस्टीशियल सेल्स पाई जाती है. इंटरस्टीशियल है, इंटेस्टाइनल नहीं है, वर्ड थोड़ा सा सही कर लेना, गलत लिखा गया ये. इंटरस्टीशियल, INTERSTIAL, N नहीं आएगा, R आएगा एक्स्ट्रा, टी के बाद, TE के बाद R आएगा और N नहीं आएगा. इंटरस्टीशियल सेल्स का ग्रुप इन ट्यूबल्स के बीच में पाया जाता है, जिसको अपन लेडिक सेल्स कहते हैं, सेल्स ऑफ लेडिक. ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है प्यूबर्टी के बाद. प्यूबर्टी से पहले ये हार्मोन रिलीज नहीं होता. यही रीज़न है कि आप छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर एक जैसी ड्रेस पहना दो तो पता नहीं चलता लड़का कौन सा, लड़की कौन सी है. या आप केवल आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये लड़के की आवाज़ आ रही है, लड़की की, क्योंकि सबकी एक जैसी आवाज़ होती है. तो प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये चेंज आ रहे होते हैं. तो ये इंटरस्टीशियल सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है. फिर एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, ये मेल डक्ट हैं जो कि स्पर्म को पैनल तक ट्रांसपोर्ट करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेडिक सेल्स है, सर्टोली सेल्स हैं. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम बताया गया है, उसकी पिक्चर बताई गई है. इमैच्योर जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है. ये टेस्टिस देखिए, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसकी, स्क्रॉटल स्किन. फिर ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ये एपिडिडाइमस, फिर वासा डिफरेंस, और ये एपिडिडाइमस से वासा एफरेंशिया जुड़ी हुई इस टेस्टिस के साथ में. ये सजाइटल सेक्शन है टेस्टिस और एपिडिडाइमस का, जिसमें आप देखिए एफरेंट डक्ट, रेटेटेस्टस, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी की सारी. और ये सेप्टम, इनके बीच बीच में जो पार्ट है वो सेप्टम, और ये लॉब्यूल्स हैं. ये एपिडिडाइमस में हेड, बॉडी और टेल.
और ये कहाँ पर खुल रही है, ये डक्टस डिफरेंस के अंदर खुल रही हैं। ब्लड सप्लाई देखिए टेस्टस की, टेस्टिकुलर आर्टरी की ब्रांच के द्वारा ब्लड सप्लाई हो रही होती है, यानी आर्टरी सप्लाई हो रही होती है। वीनस ड्रेनेज टेस्टिकुलर वेन द्वारा ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में लिम्फ नोड जो एओर्टा के चारों तरफ पाया जाता है। नर्व सप्लाई में 10th और 11th थोरेसिक नर्व जो है वो इस टेस्टिस को सप्लाई करती है। फंक्शन क्या है भाई टेस्टिस का, स्पम, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पम प्रोड्यूस होते हैं और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पम प्रोड्यूस होते हैं और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है भाई। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर जिससे निकलते हुए ये टेस्टिस के साथ में, देखिए टेस्टिस के साथ में उसके चारों तरफ एपिडाइमस, उसके ऊपर से ये मोटी सी कवरिंग एपिडाइमस जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको आप वासा डिफरेंस कह रहे हैं। और ये वासा डिफरेंस कहाँ पर जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रही है। इसके यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड ये सेमिनल वेसिकल दिखाई गई है। नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ यूरेथ्रा में खुल रही है उसके दोनों साइड प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके नीचे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ग्रीन कलर से दिखाई गई है। और फिर ये यूरेथ्रा जो है वो पैनिस के अंदर खुल रही है और पैनिस फिर बाहर खुल रही है, बाहर रिजेक्ट करेगी अपने प्रोडक्ट को। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने टेस्टिस पढ़ा और उसका फ्रंट व्यू देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू। ठीक है, इसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।